हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन यखनी पुलाव की रेसिपी, वो भी इंस्टेंट पॉट में। सो इंस्टेंट पॉट एक इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर होता है। अगर आपके पास इंस्टेंट पॉट नहीं है तो आप इसे नॉर्मल प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। मैंने लिया है 500 ग्राम्स मटन एंड 2 कप्स ऑफ राइस, जो कि 500 ग्राम्स राइस होते हैं। सो सेम क्वान्टिटी ली है दोनों की, राइस को सोक करके रख दिया है। तो यखनी बनाने के लिए मैंने ये पीसेस डाल दिए इंस्टेंट पॉट में। साथ ही इसमें ऐड करेंगे सारे खड़े मसाले, जिसमें है स्टार अनीस, जो होता पादिया के फूल, काली मिर्च साबित, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, जीरा, साबित सूखा धनिया और सौंफ। इन सब की एग्जैक्ट क्वांटिटीज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। अब इन सारे मसालों को आपने गोश्त के साथ ऐड कर देना है। उसके बाद आपको जितनी स्टॉक चाहिए उतना पानी ऐड करें। सो मेरे राइस हैं 2 कप्स और मुझे सिर्फ 2 कप स्टॉक चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 2 कप पानी ऐड कर दिया और हल्का सा ज़्यादा पानी ऐड कर दिया इवेपोरेशन के लिए। साथ ही मैंने इसमें ऐड किए हैं साबुत प्याज और साबुत लहसुन। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और लिड बंद करके इसको प्रेशर कुक मोड पर लगाना है 20 मिनट्स के लिए। और मेक श्योर करें कि इसका प्रेशर रिलीज के ऊपर ना हो, ताकि इसमें प्रेशर बने और ये पक जाए। आफ्टर 20 मिनट्स आप मैन्युअली प्रेशर रिलीज़ कर दें। प्रेशर रिलीज़ करने के बाद यखनी बिल्कुल रेडी है। अब हमें मटन और स्टॉक को सेपरेट करना है। उसके लिए हम एक स्ट्रेनर लेंगे और एक बर्तन लेंगे जिसमें इसको स्ट्रेन करना है, ताकि मटन के पीसेस अलग हो जाएँ और यखनी अलग हो जाए। इसको ऐसे स्ट्रेन करने के बाद मटन के पीसेस निकाल कर सारे मसाले डिस्कार्ड हो जाएंगे और स्टॉक अलग से मिल जाएगी यूज़ करने के लिए। इसको साइड पर रखकर अब बनाते हैं राइस का मसाला। उसके लिए मैंने सेम बर्तन लिया है जिसमें से मैंने स्टॉक निकाल दी है, और इसमें अब ऐड करेंगे ऑयल, साथ ही इसमें ऐड करेंगे अनियंस। राइस का मसाला बनाने के लिए हमें ये सब चाहिए: अनियंस, जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिलीज, टमेटोज और कोरिएंडर। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें प्याज और उनको कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। प्याज जितने ज़्यादा डार्क होंगे राइस का कलर भी उतना डार्क होगा। मुझे पुलाव थोड़ा डार्क पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ब्राउन किया है। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक, साथ ही इसमें ऐड करने हैं टमेटोज और ग्रीन चिलीज। टमेटोज को ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स करें और इनको ऐसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें। टमेटोज थोड़े सॉफ्ट होने के बाद इसमें मटन के पीसेस ऐड करें, उनको अच्छी तरह मिक्स करें और मटन के पीसेस को यहाँ भूनते जाना है। आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स, जब मटन ऐसे बिल्कुल मिक्स हो जाए, इसमें ऐड करें मसाले, जिसमें है नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और गरम मसाला। इन सारे मसालों की क्वांटिटीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। इसको ऐसे मिक्स करते जाएँ, थोड़ा सा पानी ऐड करें। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसको 5 मिनट तक भूनते जाएं, जब तक ये सारा मसाला एकदम इकट्ठा नहीं हो जाता और इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू ना हो जाए। इसको 5 मिनट भूनने के बाद इसमें यहाँ पर योगर्ट ऐड कर देंगे 1/4 कप, और फिर दोबारा इसको मिक्स करेंगे और दोबारा भूनते जाएंगे। भूनने का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ अगर ये मिस हो गया तो फिर मीट में से स्मेल आएगी। यहाँ पर मीट बिल्कुल भुन चुका था, इसको ढक कर 5 मिनट के लिए सॉटे मोड पर छोड़ दें। जब ये इस तरह दिखे तो ये बिल्कुल रेडी है। यहाँ हम इसमें अब स्टॉक ऐड कर सकते हैं, जो कि हमने पहले निकाला था। तो मेरे पास थी 2 कप स्टॉक्स और इतनी ही मुझे चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास 2 कप राइस थे। बाय दिस टाइम राइस को सोक हुए हुए 1 आवर हो गया होगा। बासमती राइस को उसके बाद अच्छी तरह वॉश करके इसमें ऐड कर दें। राइस ऐड करने के बाद मेक श्योर करें कि सारे राइस स्टॉक में बिल्कुल डिप हुए हुए हैं, राइस स्टॉक से ऊपर नहीं होने चाहिए। साथ ही मैंने फ्रेश कोरिएंडर लिया ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून, वो भी इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे अब इसको हम लगा देंगे प्रेशर कुक मोड पर फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के बाद अब प्रेशर को रिलीज़ करते हैं और राइस यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गए होंगे। प्रेशर रिलीज़ करने के बाद केयरफुली लिड को ओपन करें। जब मैंने लिड को ऐसे ओपन किया तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और राइस बिल्कुल जूसी लग रहे थे। एक एक राइस सेपरेट भी था, बट ये पुलाव ड्राई भी नहीं बना था। तो ऐसे इसको मिक्स करने के बाद हल्का सा मिक्स करना है, ताकि राइस टूटे ना।
और साथ ही इसको फिर डिश आउट कर ले और दे आर रेडी टू सर्व। तो ये थी सिंपल सी रेसिपी यखनी पुलाव की और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। आप इसको डेफिनेटली ट्राई करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाएं, दे विल एब्सोल्युटली लव इट। अगर आपको रेसिपी हेल्पफुल लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।